Hello students, how are you all? Today we are going to make a capacitor. Yes. So what is a capacitor? It is a storing device that stores the electricity, I must say, in easy language. So what is it? Two parallel conductor in between a dielectric medium. So for the parallel conductor, what I am using? I am using this aluminium foil. For dielectric, we may use any dielectric material and we may use insulators also. So for that I am using this paper and this transparent sheet we have, right? So we are using these two things that would act like a dielectric medium. Okay, so very first thing what we have to do, let me show you everything from a closer view. So we have to cut the dielectrics, means we have to cut this. Okay, and one more of the same size. So of the same size, one more. Right, so now we'll paste an aluminium over both. ठीक है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी. So what I am going to do, I have this aluminium, I tear it off and place it over this. ठीक है, now I have to paste it. So for that I am using a tape. ठीक है, सो आई एम पेस्टिंग दिस अप ओवर इट एंड ड्यू टू विच आर पेपर एंड दिस प्लग plastic also will connect each other, right? So fine, similarly with the other side. Now I have to have a wire also with it. So wire के साथ ही इसकी पूरी टेपिंग कर देते हैं. ठीक है, तो हमारा ये ऐसे पूरा इसके ऊपर टेप कर देना है हमने, राइट? और ऐसे दो बनाने हैं हमने, एक नहीं दो, इसलिए सिमिलर सा हमने एक और काटा था बिकॉज हमने दो बनाने हैं. ठीक है, सो इसको पीछे से हम फोल्ड कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा टेप है उस सबको फोल्ड कर दिया. आई फाउंड कि कई कई जगह से एल्युमिनियम पे टेप नहीं आई, तो उसको दोबारा कर देते हैं. Right? So ये हमारा एक बन गया. ठीक है, ऐसा एक और. So same,
पेपर ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा जल्दी हो रही है, मैं पेज एक और क्लियर कर देता हूँ। ठीक, सो सेम हमने एल्युमिनियम फॉइल ले लिया अपना, ओके। छोटी टेप आ गई। फाइन, सो पहले इसको एक जगह से हम होल्ड कर लें। ओके, इस पे भी वैसे ही हमने अपना टेप लगा ले, सॉरी वायर लगा देनी है। फाइन, अब सारे पे टेप लगा देंगे। सो हमारी ये एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो प्लेट की तरह एक्ट करेंगी, और जो ये पेपर है और शीट है हमारे पास, दैट विल एक्ट लाइक द डाइलेक्ट्रिक। फाइन, सो एक्स्ट्रा फोल्ड। थोड़ी वायर को एक्स्ट्रा ग्रिपिंग दे देंगे ताकि निकल ना जाए जल्दी से। ओके फाइन, तो ये हमारे क्या है, दो बन चुके हैं, रेडी हैं। फाइन, नाउ इन दोनों को हमने ऐसे जॉइन कर लेना है। ठीक, सो दोनों की जो डायलेक्ट्रिक वाली साइड है, तो ये हमारा डबल एक्ट करेगा कि ये कंडक्टर और बीच में डायलेक्ट्रिक। फाइन, और मैं चाहूँ तो इन्हें भी टेप कर ही लेता हूँ ताकि रोल करना थोड़ा इजी रहे। मेरे पास कंडक्टर्स पड़े हैं बहुत सारे, कैपेसिटर जो है अभी अगर मैं शो करूं, सो जस्ट अ सेकंड, आई हैव दिस 16 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शो करूं कि ये चीजें खतरनाक हैं और घर पे अकेले नहीं करनी। Now, look at this, अब ये चार्ज हुआ है। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ कैपेसिटर हमने बनाना है, सो लेट्स सी। ठीक,
ठीक है, तो इसको किसी पेन पेंसिल की हेल्प से हमने रोल कर लेना आप। ठीक है, सो ये मैंने रोल कर लिया इसको, ये हमारी दो वायर्स आ गई इसकी, और इस पे टेप लगा के इसको सिलेंडर बना लेना हमने। राइट, सो ये हमने इसको एक टेपिंग कर ली है, और ये है मेरा एक कैपेसिटर। राइट, सो ऑब्वियसली इसको जैसे मैंने एक नॉर्मल कैपेसिटर को 220 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था, इसको तो ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे बिकॉज इट मे ब्लास्ट देन। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो टर्मिनल्स हैं मेरे चार्जर के, सो इसको हम निकाल देते हैं। सो लेट्स सी, ये मैंने एक टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, दूसरा टर्मिनल दूसरे पे हम लगा देते हैं, और देखते हैं हमारी मेहनत, ये जो 12-13 मिनट हो चुके हैं, ये 12-13 मिनट की मेहनत सफल होती है या नहीं। सो ये चार्जिंग हो रही है मेरे अकॉर्डिंगली, अब देखते हैं कितना चार्ज होता है ये। राइट, सो नहीं हुआ, ओके, नो इश्यूज। अब इसको मल्टीमीटर से मैं चेक करूंगा कि इसमें कोई करंट है भी या नहीं। ठीक है, कि ऐसे आए बिकॉज एज आई सेड कि ज्यादा करंट भी नहीं दे रहे हम इसे, और ज्यादा चार्जिंग भी ये करेगा नहीं, कैपेसिटी इसकी कम होगी। सो लेट्स सी कि क्या मल्टीमीटर में कोई रीडिंग आती है इसकी करंट की। सो आई हैव अ मल्टीमीटर ओवर हियर, ठीक है, हाँ, सो इसमें अगर हम देखें तो 1.6 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो अब बैटरी को या चार्जर को उतार के देखते हैं, आई डोंट थिंक सो इतना करंट आएगा, सो 10 एम्पियर से नीचे आ जाते हैं। ठीक, अपने 200 पे ही माइक्रोफेरेड में करंट देखेंगे हम। सो इसमें कोई चार्जिंग नहीं हुई, चार्जिंग नहीं हुई, मैं इसको डायरेक्ट इससे लगाता हूँ, लेट्स सी अगर कुछ होता है। सो कोई चार्ज नहीं हुआ यहाँ पे डिस्चार्ज हो। क्या इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस था? ओके, अगेन करके देखते हैं। कैपेसिटर को गलती से भी हाथ नहीं लगा देना, क्योंकि ये कैपेसिटर बहुत हाईली चार्ज है एज यू हैव सीन, इसको हमेशा अच्छे से डिस्चार्ज करना है। राइट,
सो अब इस पे देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ. ठीक है, सो ये मैंने एक लगा दिया. सो यस, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसमें. ठीक है, एज यू मे सी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें क्रिएट हुआ है, बहुत छोटा सा क्रिएट हुआ, बट यस इट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लाइक 0.3, 0.4 जो दिखा रहा था, माइक्रो वोल्ट का, माइक्रो कह रहा हूँ, मिली वोल्ट का. ठीक है, सो इतना सही रह गया आप ये 0.2, 0.1 का, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ. ठीक है, तो दोबारा एक बार इसी से इसको मैं अगर चार्ज करके देखूं, देन एक बार उससे करके देखूंगा चार्जर से. ठीक है, एक बार चार्जर से भी दोबारा ट्राई करते हैं. तो हमारा चार्जर ये रहा. ओके, तो ठीक है, तो हमने इस अपने कैपेसिटर को अपने चार्जर से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अगर हम इसमें अगेन करंट देखें, सो लेट्स सी द करंट जब ये कनेक्टेड है तब. सो ऑब्वियसली ये हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आई एम यूजिंग द अदर वन, तो ब्लैक एंड ब्लैक. ओके, 1.6 का अगेन एम्प का करंट आ रहा है. देन अगर हम इसका वोल्टेज देखें, सो ये 5 वोल्ट का अडेप्टर लगाया हमने इस पर. लेट्स सी जब ये कनेक्टेड है तब अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 12 वोल्ट का लगाया था हमने, तो अप्रोक्सीमेटली ये 12 का जा रहा. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि जब मैं डिसकनेक्ट करूंगा तब किसी तरह का अगर छोटा मोटा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस हो. तो मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया. सो नहीं, किसी भी तरह का चार्ज इसमें नहीं आ रहा. ठीक, सो करंट भी कहाँ से होगा.